हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीषा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी मेरे हस्बैंड किचन में सब्जी छौंकने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। चख के देख रहे हैं कैसी बनी है, तो मैं इनको पूछ रही थी कैसे लगा है। प्याज भाजी और चना दाल को ये छौंकेंगे। इन्हें कढ़ाई चढ़ा दी है, अब गैस ऑन कर लेंगे। मना कर रहे थे वीडियो मत बनाओ मेरा, फिर भी मैं बना रही थी। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल खाना पसंद साथ में करते हैं, बताते भी चल रही थी कहाँ फिर पे भी क्या चीज़ है, भाजी में उतना क्योंकि नहीं इनको लगता। पता नहीं तो रहता ना। टेबल स्पून में इन्हें चार डाल दिए है। अब तेल को गर्म होने छोड़ देंगे। तेल गरम होता है तब तक हम लोग लहसुन काट लेंगे। ये हस्बैंड अपने हाथ में ही रखी है, लहसुन को ऐसे कट कर ले रहे हैं। ये तीन चार लहसुन है, इनको ज़्यादा लहसुन पसंद नहीं है, तो ये कम लहसुन डाल रहे हैं। इससे भाजी में थोड़े ज़्यादा लहसुन रहता है तो अच्छा लगता है। लहसुन तो हमने काट लिया है, अब मिर्ची चार पाँच मिर्ची इसमें डालेंगे, सूखी लाल मिर्च तड़के के लिए। ये अपने स्टाइल से चेक कर रहे हैं कि तेल आया है कि नहीं। तेल गरम हो गया था तो इन्होंने लहसुन और प्याज दोनों एक साथ इसमें डाल दिया है। अब वो अच्छे से चटक गया है, तो अब इसमें हम भाजी ऐड कर देंगे। लीजिए कैसे वो हो रहा है, ये देखो अच्छे से 2-3 मिनट तक मेल्ट पानी, जब रख रहे। तक कम नहीं हो जाता इसे पकने देते। इसको एक बार चला के छोड़ देंगे इसको पकने के लिए। ये लाइट की वजह से इसका कलर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, और रियल में बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा भी था, और मेरे से ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। सब्जी हो गई है तो ये खाना खा रहे हैं। मेरा खाना हो गया था, इनको खाने में टाइम लगता है, तो टीवी देखते देखते खा रहे थे। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।